नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले जनपद मेरठ में विपक्षी दलों ने स्ट्रांग रूम पर डेरा डाल दिया है, जहां सभी ईवीएम की पहरेदारी करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले पूरे देश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच ईवीएम की सुरक्षा में कोई कसर नहीं रह जाए, इसके लिए गठबंधन प्रत्याशियों ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं। प्रत्याशियों की सजगता का एक उदाहरण मेरठ में देखा गया है। यहाँ एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी के समर्थक गत 11 अप्रैल से ही स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। स्ट्रांग रूम और उसके आसपास के इलाकों पर कड़ी नजर रखने के लिए कुरैशी के समर्थकों ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों ने तंबू गाड़ रखा है, जिसमें एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। इस स्क्रीन पर अंदर लगे सीसीटीवी की लाइव फुटेज देखी जाती है। इसी तरह से स्ट्रांग रूम के आसपास किसी भी संदिग्ध हरकत पर नजर रखने के लिए गठबंधन के समर्थक दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें दूर तक निगरानी करने में आसानी हो रही है। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थक 24 घंटे 3 शिफ्ट में इस काम को कर रहे हैं। तंबू के अंदर ही कार्यकर्ताओं के सोने का भी इंतजाम किया गया है। वोटिंग खत्म होने के बाद हमारे लोग यहाँ पर आ गए थे और प्रशासन ने पास भी बनाए 4-4 लोगों के, हम लोगों के, और हम सीसीटीवी भी इन लोगों ने लगा के दिए। बीच बीच में वो बंद हो जाते हैं, उसके लिए हमने अपनी दूरबीनें भी लगाई दी हैं लोगों को, उससे वो निगरानी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से मेरठ की नहीं हिंदुस्तान की काउंटिंग होनी चाहिए। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगा रखी है और 4-4 लोग हमारे उसमें रहते हैं। और क्योंकि हम लोगों को विश्वास नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से ये इलेक्शन कराएंगे। पीछे भी मेयर की काउंटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने गड़बड़ी किया था, हमारा जो मेयर का मार्जिन था वो कम कर दिया था। तो हम जीत तो हम 1 लाख 10 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक जीत रहे हैं, हमारा मार्जिन कम कर सकते हैं ये लोग, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी दिए हैं, मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हैं। मेरा ये कहना है, जो ये गठबंधन निगरानी कर रहा है, पिछले 20 साल से लगातार ईवीएम अपना काम कर रही हैं। 10 साल कांग्रेस ने सेंट्रल केंद्र में राज करा, उससे पहले भी 3 स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इलेक्शन हुए, वहाँ पर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी जब तक ये ईवीएम ठीक थी। यानी कि अब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है तो ईवीएम में खोट बताना शुरू कर दिया, और उनके मन में कहीं ना कहीं चोर है, इसलिए वे ईवीएम पर अपना दोष मढ़ना चाह रहे हैं। तो विशेषता है मोदी जी की, उन्होंने कही मोदी चौकीदार चोर है, लेकिन यहाँ चौकीदार प्योर है। उनके मन में चोर था, आज वे खुद चौकीदारी कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं चोरी, लेकिन खुद चोर चौकीदार कर रहे हैं वास्तव में। इसके बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के गांव लहरपुर में अनियंत्रित कार दीवार से जा टकराई, जिसमें कार सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अनूपपुर जिले के जैथरी थाना अंतर्गत लहरपुर गांव में ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर राजेश शिवहरे के बाउंड्री दीवार से टकरा गए, जिससे कार में सवार धीरेन्द्र सिंह ठाकुर पिता तिलक बहादुर सिंह उम्र 28 वर्ष जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको सीएचसी में भर्ती कराया गया। साथ ही मनीराम मेहरा पिता राम विशाल मेहरा उम्र 25 वर्ष की घटनास्थल पर ही कार के अंदर ही मौत हो गई। दोनों निवासी ग्राम पपरोड़ी थाना तहसील जैथरी जिला अनूपपुर के थे। लोगों ने बताया कि उक्त दोनों लोग नशे में थे और नशे की हालत में लापरवाही से वाहन चला रहे थे एवं कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से वह अनबैलेंस हो गई और घटना घटित हो गई। मौके पर पहुंची जैथरी पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। किसानों की जमीनों की नीलामी की सूचना पर भड़के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विकास भवन स्थित एआर कोऑपरेटिव कार्यालय पर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने विकास भवन में पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बैंकों के कर्ज न चुकाने पर किसानों के खिलाफ आरसी जारी और नीलामी प्रक्रिया की कार्रवाई की गई है। बैंकों द्वारा किसानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से नाराज होकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों ने विकास भवन में पहुंचकर तालाबंदी कर दी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि
या तो बैंक किसानों की समस्या का समाधान करे, नहीं तो भाकियू द्वारा कल होने वाली मतगणना को रोक दिया जाएगा। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर यहाँ का काम नहीं होगा और यहाँ का प्रशासन किसानों से बात नहीं करेगा तो फिर हमारे पास क्या इलाज है। गाँव में से किसान ट्रैक्टर भरकर आएंगे और जहाँ मंडी में मतगणना हो रही है वहाँ पहुँचकर उस पर कब्जा करेंगे और वोटों की गिनती नहीं होने देंगे। पहले किसानों की समस्या का समाधान होगा, उसके बाद मतगणना होगी। किसान आत्महत्या करेगा, उससे तो अच्छा है कि ये मतगणना रुक जाए। प्रशासन और बैंक के कर्मचारी यहाँ आकर बात करें और अगर वे नहीं आते हैं तो हजारों किसान मंडी में पहुंचकर मतगणना स्थल का घेराव करेंगे। वेल्डिंग का सामान आ गया है, गेटों पर वेल्डिंग करके बंद कर दिया जाएगा। समस्या ये है कि किसानों ने बैंकों से कर्जा लिया होगा, बैंक ने उनकी आरसी जारी करके उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या किसान की जमीन और घर नीलाम होंगे? अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी मिलने नहीं आया है। अगर कोई अधिकारी नहीं आता है तो हम यहाँ पर ताला लगाने के बाद सभी किसान मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। भाई अगर यहाँ का काम नहीं होगा, किसानों से बात नहीं सरकार पर करेगा यहाँ का प्रशासन, तो फिर क्या इलाज है हमारे पे? गाँव में से ट्रैक्टरों के लिए कहेंगे, लोग आएंगे गाँव में से आज शाम से की, और जाके जहाँ मंडी जहाँ मतगणना हो रही है उस पर जाकर कब्जा करेंगे। कल गिनती नहीं होने की, पहले किसानों की समस्या होगी, गिनती तो एक दिन बाद में भी हो जाएगी। यह होगा मतगणना होगी साहब, रोकोगे? हाँ बिल्कुल रोकेंगे मतगणना को। और हमारे पे क्या इलाज है किसानों का? भाई किसान आत्महत्या करेगा उससे तो ठीक है कि मतगणना रुक जाए। यहाँ प्रशासन बात कराने का, बैंक के अधिकारी बातचीत करे यहाँ पर आने के, और अगर वे नहीं करते तो किसान ये वहीं पर जाएगा मंडी स्थल पर जहाँ पे मतगणना होगी कल, और वहीं कॉल करेंगे। रात रात में वहीं किसान आएगा, हजारों किसान आएगा और उनको चारों तरफ से मंडी को घेरेंगे। मतगणना नहीं होने की, वेल्डिंग का सामान आएगा, गेटू पे वेल्डिंग करेंगे आज ही, दोनों जगह का ही करेंगे। यहाँ का तो सब जगह का ही होगा। समस्या ये है कि बैंकों से किसानों ने कर्जा लिया होगा, उनकी आरसी जारी कर दी, उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या किसान की जमीन और घर नीलाम हुए? कम हुए? उसमें बैठ के बातचीत करो। अगर कोई नहीं आता और बंद नहीं आए तो हम चलेंगे वहां पे, यहाँ के तड़े लगा कर फिर वहीं चलेंगे। जनपद शामली में महिला की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां महिला ने व्यापारी पर थप्पड़ों की बरसात कर डाली। यह पूरा वाक्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शामली जनपद में एक महिला की दबंगई का लाइव वीडियो सामने आया है। दबंग महिला ने सरे बाजार एक व्यापारी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी व महिला के बीच किसी सामान को लेकर बेतु हो गई थी, जिसके बाद महिला लाल पीली हो गई और व्यापारी के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। महिला ने आप दिखाना ताओ और व्यापारी के गाल पर जबरदस्त थप्पड़ रसीद कर दिया। महिला की दबंगई से आहत होकर व्यापारी ने भी महिला को थप्पड़ मारा। दोनों की थप्पड़बाजी का यह वीडियो बाजार में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद व्यापारियों ने दोनों के बीच सुलह कराया और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ही जाने दिया। दबंग महिला की दबंगई का यह वीडियो सदर कोतवाली इलाके के मार्सगंज मंडी का बताया जा रहा है। देहरादून के सैलकुई में ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। बुधवार को दोपहर करीब 2:30 बजे सैलकुई के मुख्य मार्ग पर गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक देहरादून की ओर जा रही ट्रक ने बाइक सवार कमल सिंह पुत्र रामदास निवासी नया गाँव उम्र 45 वर्ष को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे वह ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर सैलकुई छीता मोबाइल पुलिस कर्मी ब्रजपाल सिंह एवं अमित सैनी मौके पर पहुंचे। दोनों ने ग्रामीणों की सहायता से मृतक को एक वाहन में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं ट्रक चालक एवं ट्रक को हिरासत में ले लिया गया। दोनों पुलिस कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए मौके पर पहुंचे परिजनों का भी धैर्य बांधा तथा उन्हें सांत्वना दी। घटना की सूचना मिलते ही सहसपुर थाना क्षेत्र के SI नवल किशोर भी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना दी। जनपद जालौन के कोशनगर में दर्पण जन कल्याण समिति द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर नाट्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
जालौन जिले की सांस्कृतिक नगरी कोश में ग्रीष्मकालीन नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला की स्थानीय कमला नेहरू बालिका इंटर कॉलेज में शुरुआत हुई, जिसमें दर्पण संस्था के लोगों द्वारा सैकड़ों बच्चों का अभिनय, लेखन, एक्टिंग, गायन, कोरियोग्राफी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्राफ्ट, रंगोली, स्केच आर्ट, मेहंदी, फाइन आर्ट एवं अन्य विधाओं पर आधारित प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान कार्यशाला प्रमुख अमन सक्सेना ने कहा कि कार्यशाला का प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। इसका उद्देश्य ग्रीष्मकालीन समय का सदुपयोग और प्रतिभाओं को निखारना है। यह प्रशिक्षण हर वर्ष दिया जाता है। इस दौरान संस्था के डॉक्टर मृदुल दात्रे, निखिल सोनी, गब्बर, ऋषि झा आदि उपस्थित रहे। वहीं संस्था के युवा रंगकर्मी मृदुल दात्रे ने नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभागियों को नाटक मंचन की बारीकियां समझाई। वहीं बच्चों द्वारा पेश की गई प्रस्तुतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दर्पण इनकी छिपी प्रतिभा को निखारने के काम शानदार तरीके से कर रही है। इसका उद्देश्य है बच्चों को एक्टिव बनाना, बच्चों के अंदर जो कला है उसको एक मंच देने का काम हम लोग कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से दर्पण कार्यशाला पूरे नगर के जो भी बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन उन्हें कोई मंच नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग उन्हें एक नया मंच प्रदान करने का काम कर रहे हैं। नाम और बता दो, नाम और पद। अच्छा अच्छा, मैं अमन सक्सेना, कार्यक्रम संयोजक, दर्पण। जनपद मेरठ में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है, जहां युवती ने समाज में बेइज्जती के डर से आत्महत्या का प्रयास भी किया, जिसे लोगों ने बचा लिया। वहीं पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरठ में एक गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जहां गांव के ही दबंगों ने नाबालिग युवती को जंगल में ले जाकर बारी बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। दबंगों ने विरोध करने पर किशोरी को जान से मारने का भी प्रयास किया। गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मरा समझ किशोरी को खेत में ही छोड़कर फरार हो गए। दुनिया के डर और अपनी आबरू जाने के बाद नाबालिग युवती ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह से ग्रामीणों ने उसे नहर से निकालकर उसकी जान बचाई, जिसके बाद नाबालिग युवती थाने पहुंची और अपने बयान दर्ज कराई। दरअसल मामला थाना जाने के एक गांव का है, जहां पर आधी रात में सहरी के समय गांव के ही 6 दबंग युवकों ने एक नाबालिग युवती का अपहरण कर उसे जंगल में ले गए और उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दबंगों ने अपनी यह करतूत छुपाने के लिए पीड़िता को जान से मारने की कोशिश भी की और उसको मरा समझ आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद युवती ने जान देने की कोशिश भी की मगर उसको बचा लिया गया, जिसके बाद परिजन और गाँव के लोग पीड़िता को थाने लेकर पहुँचे और पीड़िता ने पुलिस को आप बीती बताई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 की तलाश जारी है। गांव के अंदर गैंगरेप की वारदात के बाद हड़कंप मच गया और सभी लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द बाकी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विगत रात्रि एक सूचना आई थी कि एक गैंगरेप हुआ है धौलड़ी गाँव थाना जानी क्षेत्र में। महिला संबंधी अपराधों के प्रति पुलिस और शासन का बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का व्यवहार है और इसी क्रम में तुरंत इसमें एक मुकदमा सख्त धाराओं में पंजीकृत किया गया। 5 नामजद और 1 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें से 4 अभियुक्त जिनके नाम गुलफाम सन ऑफ रशीद, राशिद सन ऑफ लईक, दानिश सन ऑफ मुन्ना और साजिब सन ऑफ सलीम है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक अज्ञात में जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था उसका भी नाम कल रात में सारा मैनुअल सर्विलांस से पता कर लिया गया है। इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, साथ ही आज ही इसमें मेडिकल कराया जाएगा और जो भी मजिस्ट्रेटी बयान है वो कराए जाएंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द, कोशिश ये रहेगी कि 10 से 15 दिन के भीतर और जितना जल्दी हो सकता है इसमें चार्जशीट दाखिल कर और इसकी प्रभावी पैरवी करते हुए इसमें सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद मेरठ में कुछ दिनों पहले हुई हिस्ट्री शीटर राजू की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर राजू की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या भांग के ठेके के विवाद में की गई है। सलाउद्दीन नामक व्यक्ति ने भांग का ठेका ले रखा था। सलाउद्दीन से मृतक आए दिन अवैध वसूली करता था, जिससे परेशान होकर सलाउद्दीन ने सारी घटना राजेश को बताई। सलाउद्दीन के कहने पर राजेश ने राजू की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही सलाउद्दीन को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
देखिए करीबन एक महीने पहले एक हत्या की घटना कारित हुई थी और उसमें कुछ वीडियो फुटेज भी मिले थे। एक अंशुल जी हत्या की पहली पुलिस के लिए बन गया था, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर बदमाश था, उसकी हत्या कारित की गई। ये बात बिल्कुल तभी पुलिस के संज्ञान में आ गई थी कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर बदमाश है तो किसी बड़े अपराधी ने इस तरह की घटना कारित किया। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में कई बिंदुओं पर, पहलुओं पर, पारिवारिक रंजिशों पर, अन्य तरह की रंजिशों पर पुलिस पहुंची, लेकिन जो मुख्य कारण निकल के आया वो उस कारण को जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता पड़ा एक राजेश पुत्र हरिकिशन है, ये जुलेड़ा थाना सरदना का रहने वाला है, इसने इस घटना को कारित किया है। इस पर पूर्व में 50,000 रुपये का इनाम दी जा चुका है इस अपराधी के ऊपर और ये सजायाफ्ता क्रिमिनल है। 295/95 करके एक मुकदमा है जो थाना सिविल लाइन मेरठ का है, जिसमें एक बच्ची को अगवा करके इसने मार डाला। इसके अलावा भी इस पर कई सारे मुकदमे और पंजीकृत है, पुलिस इसका आपराधिक इतिहास निकाल रही है। तो ये एक सजायाफ्ता क्रिमिनल है और इसकी एक भांग के ठेके को लेकर जो मृतक था उससे झगड़ा हो गया था। एक सलाउद्दीन करके व्यक्ति है जो भांग का ठेका चलाता है, उस पर से जो मृतक है वो अक्सर पैसा उससे खींच लेता था, उससे लूट लेता था, इस तरह की बात इसके जिनों के द्वारा बताई गई और यही घटना का मुख्य कारण रही। सर हत्या वाले दिन एक CCTV फुटेज की भी बात चल रही थी, क्या उससे शिनाख्त हुई है? CCTV फुटेज में जब उस दिन देखा गया था तो क्योंकि ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का और इसको पता है इसकी नियत भी अपराध करने की थी, तो उस दिन ये अपने मुंह पर ढाका बांधा हुआ था, लेकिन जो बॉडी फीचर थे वो एग्जैक्ट इससे मेल खा रहे हैं और करीबन 4 लोगों के द्वारा इसकी पहचान हुई है, क्योंकि मृतक के साथ करीबन पिछले 2 दिनों से, घटना से 2 दिन पहले से मृतक के साथ मिल रहा था, जहाँ जहाँ पर इसने चाय पी या कुछ अन्य खाना खाया, कुछ अन्य की वहाँ पर इसकी शिनाख्त हुई। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। दरअसल घटना जनपद शामली की थाना भवन थाना क्षेत्र की है, जहां राजवीर पुत्र जगदीश निवासी थाना भवन में राजेश पुत्र कृष्णपाल निवासी पिंडोरा मंगलवार को बाइक पर दवाई लेने के लिए मुजफ्फरनगर गए थे। वहां से वापस लौटते समय जैसे ही वो थाना भवन मुजफ्फरनगर पर ख्यावड़ी गांव के पास पहुंचे तो आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने लगे। ओवरटेक करते समय जब बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठे और बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना डाल 100 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डाल 100 ने दोनों घायलों को थाना भवन CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया और राजेश को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये दो लोग मुजफ्फरनगर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे दवाई लेके, खावड़ी के पास किसी ट्रैक्टर ट्रॉली से बचने बचाने को लेके इनके चोट लगी है, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल है, उसको मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया। मीरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कासमपुर खोला स्थित BIT कॉलेज में सोमवार को बुलेरो गाड़ी सवार 2 दर्जन नकाबपोश हथियारबंद हमलावरों ने BMS के क्लास में घुसकर छात्र छात्राओं पर लाठी डंडे से हमला किया था। हमले में BMS प्रथम वर्ष की 3 छात्राओं जूबी जैदी, प्रियंका सदफ व छात्र रविंद्र, शाकिब सोहनवीर, विकास पाल, एहसान मेहताब, नबील, शकील, अक्षय व सलमान समेत करीब 1 दर्जन छात्र छात्राएं घायल हुए थे। मामले में कॉलेज के असिस्टेंट डायरेक्टर राघव मेहरा की तहरीर पर पुलिस ने BTech के 6 छात्रों रोहित पुत्र राम कुमार उर्फ राम सिंह निवासी नगीना, विवेक पाल पुत्र धर्म सिंह व विपिन पुत्र अज्ञात निवासी गण कासमपुर खोला, सुंदरम पुत्र गौरीशंकर निवासी चंपारण बिहार, शिवम कुमार, भवानी पुत्र सोहन वीर निवासी मेरठ, विकास पाल निवासी नगीना तथा 15-20 अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। हमले के विरोध में मंगलवार को BMS के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे इतिहास आलोक शर्मा ने CEO जॉनसन के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की थी। बुधवार को मीरापुर इंस्पेक्टर पंकज त्यागी ने हमले के मुख्य आरोपी छात्र BTech रोहित पुत्र राम सिंह निवासी मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा थाना नगीना जनपद बिजनौर को मोंटी तिराहे के निकट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। सहारनपुर
सुजानपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक के गांव रूपड़ी जुनारदार में प्रधान बिरम सिंह ने गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूरत ही बदल दी। ग्राम प्रधान बिरम सिंह ने स्कूल की मरम्मत कराकर उन्हें एक नई शक्ल देकर सुंदर बना दिया, जो कि किसी मॉडल स्कूल से कम नहीं दिखाई देता। दोनों विद्यालयों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नितिन परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले गांव के विद्यालय अच्छी हालत में नहीं थे। दोनों ही विद्यालयों में मरम्मत का कार्य करवाकर उन पर रंग रोगन का काम करवाया गया है। स्कूल की दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराई गई, विद्यालयों की साफ सफाई कराई गई है। स्कूल में शौचालय, पानी की व्यवस्था, ताकि अच्छे वातावरण में बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, जिसके कारण सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बच्चों का स्कूल में काफी मन लगता है, स्कूल भी देखने में सुंदर दिखाई देता है, दूसरे गाँव के लोग भी स्कूल को देखने आते हैं। सिंगरौली भैडन में भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। भीषण गर्मी में पेयजल को लेकर शहर के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। भैडन के वार्ड क्रमांक 40-41 के कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंच रहा है। महीनों भर से पानी की किल्लत में बूंद बूंद से लोग पानी को तरस रहे हैं, लेकिन वार्ड के पार्षद के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं वार्ड वासियों ने पार्षद के प्रति भारी आक्रोश जताया है। वार्ड निवासी हीरालाल सोनी ने बताया कि कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और दूसरी समस्या नाली चारों तरफ से गंदगी से बज बजा रही है। भयंकर बदबू से परेशान हैं सभी लोग, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। वार्ड क्रमांक 40-41 के लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई इनकी शिकायत सुनने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पर दो दो हैंडपंप हैं, वह भी खराब हो चुके हैं। लोग दूषित और लाल पानी पीने को मजबूर हैं। कुछ हैंडपंप हैं तो पानी की जगह गर्म हवा उगल रहे हैं। कभी झटका में लाल हो जाते, कभी बिगड़ जाते, समय से चला कुछ भी नहीं है। नाली सफा हो रही है, पानी मिल रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बोलते हैं कि पानी आता नहीं है, कभी आएगा कभी वो भी नहीं आएगा। गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर रोड पर स्थित CBS गुरुकुल स्कूल खजूरी अकबरपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग सहारनपुर के अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्होंने छात्र छात्राओं को जैव विविधता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने पर्यावरण को बनाए रखने एवं इसके संरक्षण के लिए विद्यालय को वन विभाग की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बच्चों को विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि को संरक्षित रखने की पूर्ण जानकारी प्रदान की गई। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में सहभाग करने वाले बच्चों को उपहार एवं प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साह वर्धन भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक सहारनपुर श्री VK जैन रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय प्रबंधक दीपक यादव ने छात्र छात्राओं को जल व पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण करने की शपथ दिलाई तथा स्वयं भी स्टाफ सहित 500 पौधे रोपने का संकल्प लिया। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का।